वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असीं पहुंचे हैं जी गुरद्वारा कुष्ट निवारण सर साहिब। ये वह पावन पवित्र स्थान है जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चरण पाए सी। इस स्थान का पूरा इतिहास जाणांगे। साडे नाल ने भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी। भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। भाई साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी कदों इस स्थान पर आए सन, तो इस स्थान का जो पूरा इतिहास है आप भी संगतां नूं दसो जी। हाँ जरूर जी। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, तिलक जंजू की रक्षा वास्ते पहाड़ी हिंदुओं की बेनती प्रवान करके 1675 ईस्वी में धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी ने अपनी शहीदी यात्रा प्रारंभ की, जिस दे भी सतगुरु सच्चे पातशाह पड़ा दर पड़ा रस्ते विश्राम करते हुए अपने मुरीद, अपने सेवक, अपने सिख की बेनती प्रवान करके, जो कि अजकल बहादुरगढ़ साहिब के नाम नाल प्रसिद्ध है, उदों सैफाबाद उस स्थान का नगर का नाँ सी, उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह पहुँचे। तो चमासे के तकरीबन 4 महीने के करीब सतगुरु सच्चे पातशाह ने उत्थे समा गुजारिया, जो बरसातों के दिन होंदे हन। उदों ही गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जिहड़े 4 महीने उत्थे विचरदे रहे, इस इलाके दे भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने धर्म का, सच का, सिखी का प्रचार ते प्रसार किया। उदों सतगुरु सच्चे पातशाह नगरां तो विचरदे हुए ये नगर सेखूपुर, ठीक है, इत्थे सतगुरां ने चरण पाए ते धरती नूं भाग लाए। ठीक है जी। हाँ जी। ते जिहड़े बाबा पूरन दास सीगे, हाँ जी हाँ जी, ये कौन सन जी, ते इन्हां ने इस स्थान की खोज किवें कीती जी? बाबा पूरन दास जी, जिन्हां दा नगर है जी बदोछी कलां जी, जो कि पटियाला जिले दे विच पैंदा जी, ते बाबा बीरमदास जी दा उहनां दा उत्थे बहुत वड्डा स्थान है बदोछी कलां दे विच। बाबा पूरन दास जो कि बचपन तो ही साधु सुभा दे सन जी, ते भगती दे मार्ग ते चलन वाले सन जी, ते काफ़ी लम्मा समा उन्होंने अपना जिहड़ा भगती मार्ग ते चलदिआं होया जी, तकरीबन 1955 तों लैके 60 दे करीब जी, इस इलाके दे विच बाबा पूरन दास जी आए। ठीक है जी। ते जिन्हां ने इत्थे आ के इस स्थान नूं प्रगट कीता, उन्हां नूं आकाशवाणी होई जी, क्योंकि जिथे अज दरबार साहिब सुभायमान है गुरुद्वारा कुष्ट निवारण सर साहिब जी पातशाही नौवीं, इत्थे उस समय शमशान घाट हुंदा सी। अच्छा जी। ते बाबा पूरन दास जी ने जदों इत्थे वेख्या कि इत्थे एक निशान साहिब है जो कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह याद दे विच बणिया होया सी। ठीक है जी। उन्हां नूं आकाशवाणी होई, उन्हां ने नगर दे लोगां नूं बुला के उन्होंने जागरूक किया इस पासे जी, कि अपन उन्हां दी याद दे विच इह स्थान बनाना चाहिए, जिन्हां ने सानू सिखी दे नाल जोड़िया, धर्म दे नाल जोड़िया, उन्हां दी याद दे विच सानू जुड़ना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। जिहड़ा इह स्थान दा नाम है जी, वो है जी गुरुद्वारा कुष्ट निवारण सर साहिब। हाँ जी। जिहड़ा नाम है कुष्ट निवारण सर साहिब, ये किवें पिया जी? इह जी जदों बाबा पूरन दास जी, हुण आम सुभाविक गल है, साध मिलै किछ सुणिऐ कहीऐ। बिल्कुल जी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਕੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਵਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਰਾਮ ਤਲੋਈ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਮ ਤਲੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਮ ਤਲੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ 9 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆਖਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ
अपना बलिदान दिता जी। क्योंकि आप सारे जानते अपने वास्ते हर कोई कुरबान होंगे पर दूजे वास्ते कोई बिरला ही यहोजी ही मिसाल मिलती नहीं कितने जी बिल्कुल। आप इतिहास देख सकते हैं यहोजी मिसाल कोई पेश होंगी नहीं। ठीक है। सो इस करके बाबा पूरन दास जी ने जो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का शहीदी पुरब से उसनों बड़ा जोड़ मेल आख्या जो कि हर साल मगर सुदी पंचमी का मनाया जाता है। ठीक है जी। तो दूजा बाबा पूरन दास जी की बरसी जो उन्होंने अपना शरीर छड़िया शरीरक चोला त्याग करके सचखंड गमन उन्होंने किया 23 अप्रैल का सी जी। पर संगतां ने बेनती करके क्योंकि उदों सीजन का काम हुंदा है जी हाड़ी की फसल की वढ़ाई हुंदी है जी इस करके वह जिहड़ी बरसी है महापुरशां दी हर साल 23 मार्च नूं मनाई जाती है जी। तो दूजा तुसी प्रश्न किया है कि बच्चों की गुरमत दे नाल जोड़न वास्ते जी वह भी साड़ी कमेटी जो बनी हुई है बाबा गुरु सिंह जी प्रधान साहब खड़े हैं सारी कमेटी के मैंबर खड़े हैं कमेटी के सहयोग के नाल बच्चों नूं सिक्खी दे नाल जोड़न वास्ते समय समय से बड़े उपराले भी किए जाते हैं जी। पर जो रेगूलर अकैडमी चल रही है जी जो कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गुरमत संगीत अकैडमी के नाते चल रही है। ठीक है जी। जिस दे विच दास वालों अते होर सिंघां वालों भी रल मिल करके साडे जथेदार ने भाई रामनदीप सिंह जी बच्चों नूं संथ्या दी सिखलाई जी शुद्ध पाठ का उच्चारण जो सिखाया जाता है जी ते नाल नाल बच्चों नूं कीर्तन की सिखलाई तबले की सिखलाई वह भी दी जाती है। ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब अखीर दे विच देशां विदेशां विच वसदियां संगतां नूं ते खासकर साडे जिहड़े नौजवान वीर भैण ने उन्हां नूं आप जी की सुनेहा देना चाहोगे? हाँ जी क्योंकि अज का जो समा आप वेख रहे हैं पंजाब नूं किसी समय जी सोने की चिड़ी कहा जाता है जी पर अज आप आम ये कहावत बन गई कि पंजाब दे विच पहला 5 दरिया वगदे सी जी ते हुण 6वां दरिया नशियां दा वग रहा है जी। सो साडे सारे ही नौजवान वीरां नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि सानू गुरु साहिबाना ने साडे पुरखियां ने ये पंजाब नूं वेखो किस तरह पूरे वर्ल्ड दे विच नाम चमकाया जी गुरुआं दी धरती है महाराजा रणजीत सिंह दा राज आया जी एक वक्री मिसाल उन्होंने कायम की अजिहा राज किते नहीं मिलता। सो इस करके आपां भी सारे रल के नौजवान वीर रल के क्योंकि नवी पीढ़ी जो वह कर सकती है वह सियाने लोग वह नहीं कर सकते जो नवी पीढ़ी कर सकती है नौजवान वीर कर सकते हैं क्योंकि जदों भी कोई संघर्ष होया नौजवान वीरां दा योगदान अहम रहा उहदे विच हर समय भावें आजादी का संघर्ष सी कोई भी सी पर अज लोड़ है सानू नशियां तो बचण दी ते केसाधारी होण दी अमृतधारी होण दी जिस करके आपां अपनी सिक्खी वल मुड़ के आईए तो नशियां तो बच के आपां अपने परिवारां नूं भी सांभ सकते हैं अपने धर्म नूं भी सांभ सकते हैं अपने पुरखियां दीआं यादां नूं भी सांभ सकते हैं। यही बेनती है गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दासरियां वल्लों कि भाई नशे छड के सिक्खी दे नाल जुड़िए अपने गुरुआं दे पाए हुए पूर्णियां ते चलिए। ठीक है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।